उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक पाले में लाने की कोशिश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगे हुए हैं। विपक्ष का वोट कई टुकड़ों में न बटे, इसके लिए छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश हो रही। इसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आकार दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 80 लोकसभा सीटों पर समझौता हुआ। इसमें 17 सीट कांग्रेस और 63 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को भी शामिल किए जाने की चर्चा हो रही थी। हालांकि अब AIMIM की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी हैं। AIMIM ने नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत दावेदारी ठोंक दी है। यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को भाजपा के सामने ताकतवर बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव तमाम वैसे चेहरों को साथ लाने की कोशिश में हैं जो अपने दम पर वोट काटने की ताकत रखते हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान AIMIM ने अखिलेश यादव की माए यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को गहरी चोट दी थी। करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी की हार तय कर दी थी। इस प्रकार के वोट को एकजुट करने की कोशिश में अब अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय लोक दल विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। वहीं राज्यसभा चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। अब माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने वाले तमाम राजनीतिक दलों को समाजवादी पार्टी कोटे से सीट दिए जाने की चर्चा है। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन में AIMIM को भी शामिल किए जाने की चर्चा हो रही थी। प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को एक पाले में रखने के लिए अखिलेश यादव AIMIM का साथ लेने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में AIMIM का बड़ा बयान सामने आया। पार्टी ने साफ कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें नहीं दी गईं, तो फिर हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने 5 सीटों की मांग कर डाली है। AIMIM ने यूपी विधानसभा चुनाव 2019 में अपना जोर दिखाया था। इस चुनाव में भले ही पार्टी को 0.49% वोट मिले, लेकिन बिजनौर, नुक्कड़, कुर्सी, शाहगंज, सुल्तानपुर, औरई, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद नगर विधानसभा सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार सपा प्रत्याशी की हार का कारण बने थे। AIMIM सपा के मुस्लिम वोट बैंक में धीरे धीरे सेंधमारी करने में कामयाब होती दिख रही है। सूत्रों की माने तो AIMIM ने आजमगढ़ से राशिद अली को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने गठबंधन के तहत सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। मोहम्मद फरहान ने कहा, अगर SP की ओर से 5 सीटें दी गई तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फरहान ने ये भी कहा कि इसके बाद अगर मतों का बिखराव होगा तो उसकी जिम्मेदारी सपा की होगी। प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन के तहत सीटें मिलने पर नगीना से दलित नेता पवन अम्बेडकर और आजमगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद, संभल और आंवला सीट पर बाद में उम्मीदवार तय किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।